या वहां काल कोठरी है जड़ा जो गोपियां ने शिकायत करी थी तो मैया यशोदा ने श्री कृष्ण जी को बांधा। हमारी पीढ़ी तो भगवान के समय से रह रही थी। यू हाउ विला वो है जो कृष्ण जी ना मारण आए थे। यशोदा की असली रसोई खड़ी चढ़ाई है जमा मैया जी का कमरा है यू कृष्ण जी का कमरा। और ये देखो हमारा लगेज कितना हो गया। राम राम जी। नंद बाबा का पूरा परिवार है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। और मैंने उम्मीद है कि आप सारे राज्य खुश होगे। कल तू भी हेलो बोल देगा इसने। इतनी शैतान छोरी हो रही है नी, बैज के गुरड़ जे है। और आज का व्लॉग है नी जमा 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 काफी मजेदार होने वाला है। जमा गणा मजेदार होने वाला है। कुकर मजेदार नहीं, सिर्फ जमा धमाकेदार, खतरनाक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। दिस व्लॉग इज वेरी फैंटास्टिक एंड टुडे इज माय फ्रेंड्स कम टू बी इंडिया एंड माय बस इतनी आवाज। तो आज अपने गल्ले आपां वैसे घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर घर जाने का पहला जाओगे आपां नंदगांव और बरसाना। पर ओड़े भी अपना गल्ला कोई आपां कल्ले कौन जांदे हां और घर भी आपां कल्ले कौन जांदे हां। आज दी पूरी फैमिली लेके किसी और ने भी जावांगे साथ में। यार ऐसा मेंबर है जो मतलब किसी किसी का घर में जावा इंडिया में। और मारा तो आज लग गया, मारा गांव में भी कौन गया तो मजा आवागा। उसकी माँ की बॉन्डिंग सब की सारा कुछ वो इतना खतरनाक लोगों ना नहीं मतलब तम देख देख कर मजा आवा। माय सिस्टर इज कमिंग, माय ससुराल इन लॉज फैमिली एंड मीट माय इन लॉज फैमिली। मुट्ठी तोड़ दे इस बेवकूफ की। और इब रोटी आ रही है हमारी, सारे रोटी है लेंगे पर पराठे हैं और फिर निकला आप। और इब और तो हम सारे तैयार हैं, मैं मंत्री माँ आदमी है लगाई पार्टी ने तैयार है बदरी जनानी पार्टी है। लिपस्टिक आ रही है, पाउडर लग रही है, मखणा ने मुंह पे लग वाह भी अपनी दोस्त भी इंतजार करने लग रही है। चलो तोड़े। और जो आज मेहमान हमारे साथ जाएंगे वो भी इंतजार कर रहे हैं हमारा। तो जल्दी जल्दी आप उधर निकला, बाकी एक चीज होगी है आज उसमें सात बंदे माम थे और दो हुए हैं, नौ बंदे हो जाएंगे। पार्टी में देखा है कि स्त्री एडजस्ट हो, अगर इतना सारा सामान है मारा भी और उनका भी। फिर और मैंने पक्का मेरा कि आप पूरा एक्साइटेड होगे मारे जो अतिथि गण है जो अपने मेहमान है उन्हें देखने खातर आप तक भिजवाओगे बढ़िया तरीके से और बात भी करवाओगे। काफी दिन तक अपना गला दिखने वाले है ये वो है घर भी चल रहे हैं अपना गला गणे दिन अपना गला रहेंगे। तो इस होटल में थे माम, इसका नाम है श्री राधा रिजोर्ट होटल यू वाला। और उरा पड़े है ये भी, इसमें तो आप निकला हाँ। उरा जो स्टाफ है वो भी बढ़िया है, बढ़िया अपना सर्विस दी, कई दिन आप उरे रहे ये बुरता आप निकला हाँ। और जो अपने गैल चल लेंगे अपने मेहमान उनका होटल की तरफ चल रहा आप उनते पिकअप करा और फिर चला अपने इस होटल ने बाय बाय और चलने की तैयारी कराई बापा। चलो भाई मित्रा बहुत अच्छी सर्विस दी आपने। और वो भाई कहाँ गए जो थे उनको भी बाय बोलना। चलो बोलो राधे राधे जय दादा। शामी की निकला अपना होटल में था और कौन कौन एक्साइटेड है अपना उस मेहमान खेतर सारे चला फिर उसके पास चलो और दिखावे था ना कौन है वो। और आज जो मेरी नई दोस्त बनी है जो अपना नया मेहमान है वो अपना मेहमान कुकर बने उसका पूरा श्रेय माँ की तरफ जावे है क्योंकि माँ का लाड प्यार का कारण जो भी माँ ने प्रेम दिखाया उस तो भी एक्साइटेड हो गए और पसंद भी आया। उनकी भी दया मारते हैं कि कारी कंपनी पसंद करूं मैं हाँ। तो फिर मैं उन्हें वो करे महा चलो क्यों ना इसने अपना घर इनवाइट करा अपना कल्चर दिखावा अपना काम दिखावा अपने खेत दिखावा अपना लाइफ दिखावा। तो मैं उन्हें उन मतलब ओवर कर इनवाइट कर एक बार कंधे में कि हाँ हम भी तैयार हैं आने खातर हाँ। तो दिखाते हैं मिलाते हैं आपको। वेरी यंग मदर या योर मदर इज सो 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 क्यूट लगे लो चलो। तो मामी वो रह लिए हैं दानू का आश्रम और ये अपनी गाड़ी खड़ी उनका वेट में खड़े हैं अपना मेहमान की मैं कौन सी साइड तावेंगे मैं कड़े तावेंगे लोकेशन उरे की दिखा रहे हैं उनकी माँ उन्हें बेरा कौन था कौन सा रिजोर्ट में मैं तो उनका वेट में आ जा। तो ये उनका होटल शायद गली के अंदर है मैं अरमा जावा हाँ लगेज उन पर ज्यादा है शायद तो मैं लेकर आवा। और रह गई पापा वहाँ खड़े उड़ा अपना अगे मेहमान जो
या है माँ की, हमारा पूरा परिवार की अंग्रेज दोस्त। हाउ 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 एवरीथिंग इज गोइंग। हो रहा है कि हाँ पापनी गाड़ी का लोग है। Oh, I thought would go up maybe, and like they do, but no, you have to put in. और ये देखो हमारा लगेज कितना हो गया। मेरी सिस्टर देवू का और हमारा दिमाग टूट गया। तो थोड़ी सी तंगी तो होगी, हम नोडल लगे कि 5-6 घंटे का सफर है, पर सहन कर लेंगे। या तंगी हमने दिखते को नहीं, क्योंकि कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देवू बार बार में कहने लगी कि लगेज मेरा तो इमाम सारे गाड़ी में पैक हो गए हाँ। और इसका नाम है बोधी। बोधी हाँ, हीज मंत्री मंत्री एंड फ्रिता आर फॉर मी इजियर टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ आई नो मंत्रा Your name is Deborah. Difficult for us, so we call you Debo. It's good, Debo. Or you can also many people because the Russian man was hard to explain, like the B and then always Devi. So it was almost like Devi. Devi, I like. और अपना छुटकू राजा ने लगा लिए है अपनी लैंग्वेज में ही कार्टून। और मन्ने बहुत परेशानी हुआ है, मन्ने भी परेशानी हुआ, मेरे तो ज्यादा माने परेशानी हुआ क्योंकि मैं बहुत कम समझ तो पाऊं, पर इतनी भी मैंने इंग्लिश को नहीं दी। जीत मेरे से ज्यादा फास्ट इंग्लिश है, ज्यादा बड़ी समझ तो लेऊं लेकिन बोली कौन जानती तो एक्सप्लेन करूं, माँ का जमाए को नहीं आंदी। तो थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी तो होगी, पर आपने भी सबने मजा आया है। हाँ, कुछ वर्ड तो इन्हें हिंदी के आवे है, बोल ले है। Just say, you say hello, we say Ram Ram. Ram Ram, okay. Ram Ram. Ram Ram, what do you say? Aise bolo, Ram Ram ji. Ram Ram ji. Ram Ram ji. Kaise ho? Aise ho. और आज मेरे माँ के गोड्या में लिट गई क्योंकि जगह स्पेस थोड़ा कम हो गया। और अब हम सीधे जान लग रहे हैं नंदगांव में। नंदगांव घूम के सारा उस टाइम की चीजें इब तक भी है कि वो आप नोट जाके दिखावांगे। और काफी एंजॉय करने लग रहे हैं सिस्टर देवो के साथ में। इसलिए हमें मौसी कहने लगे क्योंकि 45 साल की है, माँ की एज की है, तो थोड़ी ये योगा टीचर है तो थोड़े यंग है, उस करके न हमें इसने मौसी कहने लगे। मेरी माँ ने ये सिस्टर को है तो हमने रिश्ता निकाल लिया इनका, गला मौसी का। तो अब हम चले जाने लग रहे हैं नंदगांव की तरफ। और जो देवो जी हैं वह आदू ने ले रही है और कहे कि मेरा मतलब लड़की लड़के लड़के हैं, जब लड़के हुए थे तो मेरा मिस गैरेज हो गया था। और यम लेके आई इसका, अगर गैस घुस बन जानी तो टम्मी पर रब कर दे। अच्छा, आदू बेहतर बेबी टम्मी रोल आदू बेहतर ले गई है। और ये कहे कि आदू मना बहुत प्यारी है, मेरा ऐसा जी रब है मैं इतना साथ में ले जाऊं। ये कह रही कि मैं मेरा मिस गैरेज हो गया। हां मिस गैरेज हो गया। और या ये बता रही है कि मैं आदू की मतलब ग्रैंड मतलब दादी बन के एक तरीका है। तो अब आप पहुंच लिए हैं नंदगांव में, श्री नंद बाबा मंदिर नंदगांव। और उरे अपन देखेंगे भी अपने के की देखने मिला क्या क्या चीजें हैं। मतलब बिटोड़े देख दिया, खेत देख दिया, लिप बिटोड़े तो इन्हें ढक रखे। मेरी ख्याल में जान दे मेरी माँ सेम नुए ढक है बिटोड़े की देख लिए मेरी माँ ने। माँ गल्ला तो मामना का सीटा की पराली बंद होनू बंद होनू बंद तो गल्ला जाके मेरी माँ की बात आती है बंदे यार बिटोड़े बंधवाने पड़ेगी। तो ये अपन नंदगांव मार रोड ऊपर जगह बताया गया है श्री कृष्ण जी का पुराना घर, तो ओड़ा जगह देखेंगे भी। पहुंच गए हैं नंदगांव में, ओड़ा ऊपर है वो मंदिर है जो, और ये मारी सुमन मंत्री देवो और बोधी। रिंकू एक बार आदू का दूध पिया है फिर चलेंगे। अपा गाड़ी पूरा पार्क कराया अपा, और वैन सी मिली है अपा ने
जी से मैं चल लागे अपा उपर श्री कृष्ण जी के घर की तरफ। यहाँ आदू रही, मैं यहाँ आदू रही, रिंकू रही, माँ रही, बाकी सारे पीछे बैठे हैं, देवो भी पीछे बैठी है। तो ही पूरा चल लागे अपा अगे, पूरा पैरे जाना पड़ा अपा ना, गाड़ी पूरा रुकेगी। चप्पल उरे, चप्पल उरे कैट दे अपा, और उरा जमा खड़ी चढ़ाई है। तो चला खड़ी चढ़ाई है जमा, सी इज इंसल्टिंग मी। और पहुंच गए मंदिर में, घर में। और जमा ऊंचाई पे के है मंदिर भी, ओ तेरी राधे राधे। गोविंद गो, और हम इसके पीछे गए गे, पूरे को देखोगे गल जिसमें पीछे घर आ गए शायद। ये तो शायद बाहर जाने का दरवाजा है। हाँ इसका चौगर्दन घूम है यहाँ पे, मंदिर है वैसे, घर कड़ा है। और पूरे हमने दर्शन कर लिए, ये छोटू को बताने लग रहा है कि उस घर में मैं लेके चलूंगा था हमने। अरे पंडित जी ने भी धमकाओ था कि तुम्हें कुछ और ये चल पड़े यहाँ पे नीचे की साइड दूसरा मंदिर में, जो हमने छोटू था वीडियो में दिखाया था, क्योंकि और राधा रानी कृष्ण भगवान से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं जो आज भी सेफ रखी है। ये यशोदा माँ तेरे रिलेटेड चीजें हैं उस मंदिर में, घरे लगा लो उनका। और ये आएगी, हाँ यह है, यो है वो मंदिर है जो जीत बता रहे थे इन, आई थिंक वीडियो देखी थी। ये हुआ होगा देखो। हाँ अब वीडियो ना दिखाओ, क्या वीडियो ना देख ना, ना ना पता चल गया यो ही है पूरा। ये सोदा मैया की रसोई है, कृष्ण जी का कमरा है असली है जो। हाँ पूरा है, हाँ यू है श्री कृष्ण जी का घर जोड़ा पहला हुआ थे। चलो अंदर, और यू आगे चलेंगे आप आगे है कन्हैया का भवन, कन्हैया जी का कमरा है यू, कृष्ण जी का कमरा। जय श्री कृष्णा, नहीं जाना, यू कृष्ण जी का कमरा है, ये कृष्ण जी का कमरा है। अच्छा यहीं रहते थे वो, कितने साल पुराना होगा ये? ये चैतन्य महाप्रभु जी के समय का। हाँ जी चैतन्य महाप्रभु जी के समय। अच्छा चैतन्य महान प्रभु जी के, ओके उनसे रिलेटेड और क्या क्या चीज हो रही है उनके जमाने का है यहाँ पे अभी कुछ भगवान के जमाने का? हाँ भक्ति है ना, गिरिराज जी है, हरियाणा से, हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट। यू तो था श्री कृष्ण जी का वो, जो गोपियों की शिकायत पे सजा मिली थी। अच्छा इस कोठरी में बांधी थे वो, और मैया यशोदा की रसोई इसके अंदर जाकर थे। तो यह है वह असली मैया यशोदा की असली रसोई, पूरा मैया यशोदा खाना बनाया कर दी, और यह वह काल कोठरी है जड़ा जो गोपियां ने शिकायत करी थी, तो मैया यशोदा ने श्री कृष्ण जी को बांधा था, और वह इन जाड़ियां में को देख दे होंगे। नहीं नहीं बांधा था। हाँ यह उरा को जान के ऊपर की हुए हैं, पैड़ी पुड़ी हैं।
देख लो उस टाइम की लग है या मैया यशोदा की असली रसोई है। यू उस टाइम का उनका खाना खूना धरण का समान धरण का यू वो कमरा हो गया उरे धरे कर दे मैं देख लो यूरे देखो कैलस भी है या उसे टाइम की कैलस है क्योंकि आप देख सको हो कि उस टाइम में वो हो करता दुम्मा हो करता उरे चूल्हे चाले हुए तो है को नहीं पर आप देख सको हो जय श्री कृष्णा। तो या देख लो आप पूरा लिख भी रखा है ऊपरों कलर कर दिया काल कोठरी। तो यू था इस साइड भी एक कमरा है मंदिर टाइम में बाद में बनाए हुए हैं पर आप देख सको ही उस टाइम की चीजें हैं। कितने वर्ष हो गए इन्हें कितनी पुरानी है ये तुलसी है और ये तुलसी है जो भोग लगता है बीच में एक पत्ता डाला जाता है इसका। अच्छा जो भोग लगा है उसमें एक पत्ता इस तुलसी का डाला जावे है मिट्टी ले ले इस तुलसी की जड़ खा जाए खराब हो जाएगी जे मिट्टी ले ली उरे जै तो जाल लगा रखा है। उरली साइड को देखांगे आप भगवान का घर ने अभी तो बहुत ही बड़वाने आओगे अंदर चलांगे आप तो उरे और भी चीजें आपने देखने ने मिलेंगी श्री कृष्ण जी के टाइम की चीजें श्री कृष्ण जी के एक बार उस साइड देख के आते हैं पूरा को यहाँ ऊपर जाने की पैड़ी लगा रखी है और आप देख सको हो पूरे पहले भी उरे उनको पूछ उरे गौ बंदे कर दी पहला कृष्ण जी की गौशाला। अच्छा यहाँ गायें थी रहती थी गौशाला या अब भी है तो अब भी है। अच्छा ये दरिया बन रहा है दलिया बन रहा है। अच्छा बना रही है हाँ 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 फिर गिरमा यही कर लो नहीं वह सही है लग जाएगी आ जाओ सारे और ये मंदिर देख लो आप भगवान जी का यू आपने भगवान जी का कमरा देखा ही था एक बार फिर तमाम आपने दिखा दूं ये देखो यही साइड देखोगे आप गऊ बंदरी हैं कृष्ण जी का टाइम तो ही आपने भी रहा है पूरा गऊ तो रखिए जावे हैं तो गऊ प्रेम है अंदर जाने की अनुमति है को नहीं यू कृष्ण जी का कमरा है जड़ा में सोया करते रहा करते झूला दर रखा है पूरा एक और हाँ ये शिव जी का मंदिर है। तो आप देख लो कितनी सारी चीजें देखने लग रही है एज कितनी है तेरी उम्र ये 11 इयर्स और साथ में देखो जी भी चलो इस साइड को चलांगे पापा क्योंकि उरे ही परिक्रमा हो जाएगी असली घर तो यू है कृष्ण जी का तो सबसे बड़ी परिक्रमा तो यह है और यू लोकेशन मैं आपने बता दूं नंद गांव में है आपने अगर आप पूरा आओगे तो ढूंढना पड़ेगा यू नुए को नहीं मिला क्योंकि मंदिर जो है नया बनाया गया सारे दुख तोड़े लावे यू जो उनका घर है वो है पूरे देखो आप कितनी सारी चीजें हैं ये पूरा बंद कर रखे पूरा नंद बाबा का पूरा परिवार है नंद बाबा अच्छा कृष्ण जी के चचा चटरा तो उरे देख लो इबे बंद है यू मंदिर और इस साइड आपा और चीजें देखांगे तो यू ओ आऊ है जिसने दिखा के हाउ बिल आऊ जो नंद बाबा ने थी जो चीमा के भीतर आया था वो पत्थर हो जाए राक्षस आ रहे थे भी पत्थर हो गए तो रहते हाउ बिल आऊ। अच्छा इसकी मानता है कि नंद बाबा ने नुक हाँ नंद बाबा ने नु कहा था जो भी इस घर में बढ़ेगा नहीं मतलब जो घर है इस घर में कोई बढ़ेगा राक्षस बढ़ा कोई बढ़ेगा तो वो हाउ बिलाऊ बन जाएगा वो पत्थर का बन जाएगा तो यू हाउ बिलाऊ वो है जो कृष्ण जी ने मारन आए थे असली और उरे और आगे देखांगे आप ये शेरा वाली माता का मंदिर है जय माता दी और ये परिवार ही पूरे रहने लग रहे हैं घर बनाएगा ना और उरे आगे देखांगे जी आप ये शिव जी का मंदिर है जय भोले शंकर
आपके आप कितनी पीढ़ियों से रहते हो यहाँ? हमारी पीढ़ी तो भगवान के समय से रह रही है। अच्छा सही है। वैसे आप बहुत किस्मत वाले हो, भगवान के घर में आपको रहने का अवसर मिला है। हमारा रिलेशन है ना हमारे कहीं अक्सर। हाँ जी हाँ जी, वो रिलेशन तो रिलेशन वाला ही तो उसके साथ रह सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमारा कन्हैया को तो रिश्ता ही अलग है। अच्छा चलो अच्छी बात है। आपके चेहरे पे चमक दिख रही है। वो गाय भी आपको रख रही हूँ? नहीं हम तो अपने आप को भी नहीं रख रहे आंटी जी, वो सब तो वो रखने वाला है। अच्छा अच्छा, उसी की गैया हूँ। कन्हैया का है सारा कुछ। सेवा कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि आप सेवा कर रहे हो। हाँ, सब संभाल कर रहे हो इस मंदिर की साफ सफाई सारा कुछ। यही कह रही है। चलो तो आपने उरे कितना सारा कुछ देखने में मिल गया है, जो कृष्ण जी की जिंदगी थी, उनकी जीवनी थी, जो उसका जुड़ा हुआ है, असली है। और युवा पूरे देख भी सको हो, नंद बाबा का पहला घर नंद गांव मथुरा। तो पहला घर तो यूए था नंद बाबा का, उरे रहे कर दे कृष्ण जी, उरे ही रहे कर दे आप देख सको। और उरे यू सारा कुछ घुमाण में अपने इस बच्चा ने हेल्प करी। क्या नाम है आपका? पवन। पवन ठाकुर। पवन ठाकुर, तो इस बच्चे ने हेल्प करी है। और आप भी आओ रहे तो घूम सको हो, सारी चीजें बहुत असली हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आवे है श्री कृष्ण जी के टाइम की असली चीजें देख के। ये बिस्ता बच्चे का कुछ दे दो, इसकी मेहनत का फल। और उस साइड को हम ज्यादा टाइम लग गया था श्री कृष्ण जी का पूरा गांव नंद गांव देख लो सारा। और बोधि का नाड़ा खुल गया था, थोड़ी इनको बांध दे। बार बार मैं धोती उपरण करा था। इसका नाम बोधि रख रखे ना, बोधि धर्म का नाम पर रखे है बोधि। और इमाम ने भीड़ हो रही थी क्योंकि तड़ा है, सारे बैग थे तो कुछ बैग ऊपर सेट कर लिए हैं। हालांकि रवा तो डर डैने का भी और दूसरा चलाने का भी, क्योंकि प्राइवेट गाड़ी है ना, टैक्सी में तो दिख रहा चीज तो हो गया पर सेट, कोई दिक्कत नहीं। और ये पापा निकल जी हाँ नंद गांव में, सीधे चला अपने गांव की तरफ ही, दमतान साहिब। करेगी मौज आपे नारा लावा तीजो देवी। तो पहुंचा अपना गांव में, देवो और बोधि भी अपने साथ ही चलन लग रहे हैं अपना घर। पहली बार ये किसी इंडियन के घर जावे हैं, तो अपना फर्ज बने है इनकी केयर करना इनते। और मैं सब तक ना एक्साइटेड हूँ इनते अपना हरियाणवी कल्चर दिखाने के अंदर, अपनी हरियाणवी चीजें दिखाने के अंदर, भटोड़े महस गोबर घी सारा कुछ। तो इनते सारी चीजें करवावांगे सारा, कई दिन भी अपना घर रहेंगे अपना गांव में, मजा आवेगा तमने भी और मामने भी।